हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंह भी आप जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रेटजी है सर, कैसा मूड लग रहा है? एक ट्रेंड बना हुआ है बाजार में, मंडे पिटा, ट्यूसडे उठा, वेनेसडे पिटा, तो आज उठेगा क्या? संभावना तो पूरी है, और वैसे भी आप देखिए जैसा खुलता है बंद होते थे उसके विपरीत हो जाता है बाजार, तो चांसेस हैं कि आज शुरुआत मजबूत होनी चाहिए। ग्लोबली थोड़ी सी चिंताएं कम हो रही, मैं तो नहीं कहूंगा कि दूर हो रही कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई बुरा स्टेटमेंट या कोई खबर इस तरह की आई नहीं है, तो उसके चलते थोड़ी ग्लोबल रिकवरी हो सकती है, उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिल सकता है। लेकिन 9,850-10,000 जो रेंज है निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, वो अभी दिख रही है, और उसी रेंज में बाजार थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात ये कि बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 24,100-24,500 बैंक निफ्टी की ये 400 पॉइंट की रेंज है, जिसके बीच में बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। पूरी तरह से ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से ही है, और इसमें सुबह भी और दिन भर ग्लोबल मार्केट पर आपको नजर रखनी है कि किस तरह का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक मौका खरीदारी का बन सकता है 9,850 के स्टॉप के साथ निफ्टी पर, 9,950-9,975 तक के लक्ष्य के लिए। दूसरा, बैंक निफ्टी पर 24,150 के स्टॉप के साथ खरीदारी की जा सकती है, 24,400-24,450 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है कि थोड़ी सी आज जो रिकवरी होगी, उस रिकवरी में मिड कैप शेयरों में ज्यादा अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है, वहां पर तेजी ज्यादा बेहतर हो सकती है। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस होगा, और इनफैक्ट आज जब मैं आगे ट्रेडिंग आइडियाज हाईलाइट करूंगा तो सारे के सारे मिड कैप आइडियाज, जोरदार मिड कैप आइडियाज होंगे, उसके लिए ग्लूड रहें अपनी टीवी स्क्रीन से। लेकिन अनिल कहते हुए खरीदारी करने के मौके भारतीय बाजारों में, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 9950 और फिर इवेंचुअली 9975 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। क्या मूड है सर, चार्ट्स का इंडिकेट कर रही है, मेरी टीम मुझे बता रही है कि आज निफ्टी पे कोई स्पेसिफिक कॉल नहीं है, क्या इस समय निफ्टी पे बेट करना मुश्किल हो रहा है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ देखिए, क्लियरली अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 100-120 के एक दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। ऊपर की तरफ जब भी 9980 के आसपास आता है थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, लोअर साइड पे जब भी 9860 आता है वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आता है, वापस हम एक अच्छा खासा पुल बैक देखते हैं। तो अगर ये कल के क्लोजिंग के आसपास अगर निफ्टी ओपन हुए हैं तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स नहीं होंगे, 9980 के आसपास के लिए टारगेट्स होंगे। और अगर यहाँ से आज गैप अप होता है, हम 9980 के आसपास चलते हैं, तो वहाँ पे आप वापस एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। तो फिलहाल तो ये सीमित दायरे में ही ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आएंगे इंडेक्स में ज़्यादा एग्रेसिवली आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। और जैसे अनिल जी ने भी हाईलाइट किया कि मिड कैप काउंटर्स में आपको अच्छा खासा अट्रैक्शन दिख सकता है, तो उनका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो रेंज बाउंड सेशन दायरे में बाजार, उस दायरे को आपको स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी है, कल की क्लोजिंग, कल क्लोजिंग हुई थी 9916 के लेवल्स के आसपास, अगर इन लेवल्स के आसपास निफ्टी मिलता है तो खरीद डालें। ऊपरी स्तरों पर 9980 का जोन जो समीत हाईलाइट कर रहे हैं, जो अनिल का टारगेट है इवेंचुअली खरीदारी करने के ऊपर उछाल के लिए, वो लक्ष्य 9975 का, उन लेवल्स के आसपास एक बार फिर बाजार बिकवाली करने के मौके देगा।